हाय स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने ज्योग्राफी का खात्मा शुरू कर दिया है, एज पॉसिबल एज हम वो सब चीज़ें भी जानेंगे जो थोड़ा बहुत हम अनअवेयर थे उन चीज़ों से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आप लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना रुकावट के, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हम आज देखेंगे, एक टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ दो तरीके से होती हैं, है ना। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन, है ना, क्या है। दोनों नाम तो सेम से हैं। उसी तरीके से परिभ्रमण और परिक्रमण, नाम सेम है, काम अलग हो, ठीक है। रोटेशन, रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण, परिक्रमण। एक हमने देखा था कि अक्ष और कक्ष के बारे में पढ़ा था हमने, देशांतर और अक्षांश में, अक्षीय और कक्षीय, ठीक है। एक होती है दैनिक और वार्षिक, दैनिक और वार्षिक। क्या होती है ये, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गतियों के बारे में। तो क्या होती है ये गतियाँ, ये तो इनको नाम ही दे दो, है ना, इनको गति बोल दो। देखते जाइएगा, नाम भी याद करेंगे, काम भी याद करेंगे, कैसे करती है वो भी देखेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो जल्दी जल्दी हम ख़त्म करेंगे इसमें से। और बात करते हैं घूर्णन, तो गाइस देखिए, रोटेशन ये सारा क्या है, एक ही पंगा है, और ये सारा क्या है, एक ही पंगा। पूछ लेता है कि परिक्रमण में क्या होता है, तो क्या होता है, कक्षीय गति। अब कक्षीय गति क्या है, मैंने आपको कक्ष से एक सीधे सी बात बताई थी कि इसका ओनली इसका मतलब क्या है, पथ व रास्ता। तो मतलब जो अर्थ सन के राउंड में चक्कर निकालती है ना, तो उस ये अर्थ, ये सन और ये अर्थ क्या कर रही है, राउंड निकाल रही है, है ना। तो ये जो रास्ता बनता है वो रास्ता क्या कहलाता है, कक्षीय गति। समझ में आ रही है बात। तो कक्षीय गति किसकी होगी, कि सन के राउंड में जब अर्थ चक्कर निकालती है वो क्या होती है, कक्षीय गति। तो ये सारी एक ही चीज़ है, और वो कितने सालों, कितने महीने में निकालती, कितने दिनों में निकालती है, तो वो वर्ष आ जाता है एक कि 365 दिन में, है ना, कितने घंटे, कितने मिनट, वो भी हम देखेंगे। इतनी चीज़ समझ में आई होगी, परिक्रमण और परिभ्रमण। अणा अणा ऐसे याद रख लेना, घूर्णन, ठीक है, अर्थ का खुद पर रोटेशन। खुद पर रोटेशन क्या है, परिभ्रमण, घूर्णन, दैनिक गति। अब अर्थ 24 घंटे में राउंड करती है, तो एक चीज़ तो हम भी ये देख लेते हैं। पहले सीधी सी बात, हम एक शॉर्ट लाइन में डेफिनेशन लिख लेते हैं, पृथ्वी के अक्ष पे होने वाली गति, पृथ्वी के अक्ष पर होने वाली, पर होने वाली गति, आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है कि निश्चित पथ में होने वाली गति, निश्चित पथ या रास्ते में होने वाली गति। बहुत सिंपल है, एक डेफिनेशन आपको मिल गई इसकी। आप इसको बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण है क्या एक्चुअल में, उसके बीच में इनके अलग अलग नाम भी हैं। वन मिनट गाइस, तो एक डिफरेंस इनके बीच का पता चला होगा आपको। अब इसकी गति कितने
क्या क्या समय लेती है इसकी गति? इसकी गति लेती है 24 आवर, 24 आवर्स लेती है। और वहाँ कितना लेगी? तो वहाँ सीधी सी बात में अगर बात करें तो हम कह देते हैं 365 1/4। अब इस 1/4 में क्या आ जाता है देखिए, या हम यहाँ लिखा आ जाता है कि 365 5 घंटे, 365 दिन लिख लो, दिन 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकेंड, तो ये इसका एग्जैक्ट टाइम हो गया। ठीक है, क्या बनाएगा? लीप वर्ष बनाएगा। कब? ये प्रभाव में देखेंगे हम इसकी, इसकी गति और देख लेते हैं। और ये और देखिए, इसका जो अक्ष पे गति करेगी तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। प्रभाव की बात करते हैं, प्रभाव भूमध्य पर। और किस गति से ये यहाँ पे घूर्णन करती है तो हम उसकी बात करें तो यहाँ पे होता है 1670 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये एक आवर में यहाँ पर इसकी गति कितनी है? कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, 1670। और अगर बात करते हैं ध्रुव पर, तो ध्रुव पर इसकी गति हो जाती है 0। क्या हो जाती है? 0। और यहाँ अगर हम गति की बात करते हैं तो इसकी गति यहाँ देखिए 1077,000, मतलब 1,07,000, कितना? 7,000 किलोमीटर पर आवर। इस रफ्तार से अर्थ सन का रोटेशन करती है। ठीक है, अब इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी इसके बारे में कि परिभ्रमण में क्या होता है, परिक्रमण में क्या होता है ना, क्या होता है, होता क्या है एक्चुअल में? निश्चित पथ रास्ते में होने वाली गति। और ये क्या है? पृथ्वी के अक्ष में होने वाली गति। मतलब ये अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अपने ही, ये अर्थ है, ये इसके क्या है? अक्षिस है। ठीक है, पोलर साइड अक्षिस है। अब यहाँ से ये जो ऐसे ऐसे घूम रही है ना, वो क्या है? परिभ्रमण गति है उसकी, अक्षीय गति है उसकी, दैनिक गति है उसकी, घूर्णन गति है उसकी। तो अक्ष पर होने वाली गति क्या है उसकी? ये है। कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। प्रभाव क्या? भूमध्य पर 1670 किलोमीटर पर आवर में राउंड होता है इसका। ठीक है, ध्रुव पर 0 होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस गति से वो सन के राउंड में पथ पे गति हो रही है, पथ पर गति हो रही है, तो कितना? 1,07,000 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए आगे, ये अगर उतारना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। अब इसके प्रभाव देखेंगे हम। इतना समझ में आया होगा? आ ही गया होगा, सिर्फ यही नाम लिखे रखो। मैं रखती हूँ, आप लोग तो वैसे ही कर लीजिएगा, है ना, बीच में लाइन खींच के दोनों का डिफरेंस लिख लीजिएगा। प्रभाव की बात करते हैं, दोनों के प्रभाव। वन मिनट देख लेते हैं, दिख रहा है क्या वहाँ पर? दिख रहा है प्रभाव। देखिए, मौसम परिवर्तन यहाँ होता है। क्या? मौसम परिवर्तन। ये पूछे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से कि मौसम परिवर्तन प्रभाव है गति का, कौन सी गति का? परिभ्रमण का, परिक्रमण का, दोनों गलत या ए बी दोनों, है ना, ऐसे देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? ऋतु परिवर्तन, जैसे शीत ऋतु, शरद ऋतु, है ना, वैसे परिवर्तन। ठीक है, इसका परिवर्तन जैसे जलवायु में, जो जलवायु तो बड़ा हो जाता है, खैर जैसे टेम्परेचर वगैरह का ले लिया, या फिर जो वायु राशियां बनती हैं उनका ले लिया, ये सब चीज़ें। और देखिए यहाँ पे, सौर दिवस व नक्षत्र दिवस, इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है। यहाँ क्या है देखिए, ये किसका? सौर दिवस और नक्षत्र दिवस किसका प्रभाव है? परिभ्रमण का। और यहाँ का प्रभाव अपसौर और व उपसौर, इनको ना अगर इंग्लिश में याद रखो ना तो ज़्यादा सही रहता है, अफेलियन और प्रिहेलियन। ठीक है,
क्योंकि पी से पास और फिर इसका दूर हो ही जाएगा, मतलब उपसौर क्या हो जाता है पास में और अपसौर क्या हो जाता है दूर में। और उसमें भी अगर याद रखना चाहो तो 3 जनवरी, देखिए 3 जनवरी पास में या 4 जुलाई पास में, तो जाहिर सी बात है 3 जनवरी पास में, तो पी 3 जनवरी और उपसौर, ये चीज़ याद करिएगा, इस तरीके से याद करिएगा, हिंदी में कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। देखिए आगे फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, दिन रात का होना, दिन व रात का होना, और यहाँ पे क्या होगा कि दिन व रात का बड़ा या छोटा होना, दिन व रात का बड़ा व छोटा होना, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चलेंगे, छोटा होना। फिर हम अगर आगे बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि मौसम परिवर्तन लिया है, तो मौसम परिवर्तन किससे होगा, गतियों से होगा, जो फोर्सेस काम करेगी उनसे होगा, कि विभिन्न बलों की उत्पत्ति व उनके परिणाम स्वरूप जो प्रभाव होंगे वो देखिए। क्या मैंने कहा फोर्सेस होंगी, विभिन्न बलों की उत्पत्ति, बलों की उत्पत्ति व परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव, प्रभाव ठीक है। अब ये गतियाँ 3 होती हैं, एक अपकेंद्रीय प्रभाव लिख लेते हैं ना पहले, तो पहला प्रभाव क्या हो जाएगा इसके अंदर कि स्थायी पवनों की जो दिशा होती है, स्थायी पवनों की दिशा, मौसम का ही भाग हो गया कि नहीं हो गया। फिर हम बात करते हैं कि जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात बनते हैं वो भी इसी के अंदर बनेंगे, और जो वायु दाब पेटियां बनती है वो भी इसी के अंदर, तो चक्रवात व प्रति चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ठीक है का बनना। फिर वायु राशियों की पेटियों का, या वायु राशि यो वायु दाब सॉरी वायु दाब लिखिए वायु दाब पेटियां, वायु दाब पेटियों का बनना। अब इनका निर्माण होता है ना वो अलग अलग फोर्सेस से होता है, वो फोर्सेस देखिए अब कौन कौन सी हैं। जो स्थायी पवनों की दिशा होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस फोर्स। अब ये फोर्स के बारे में मैं आपको आगे डिफाइन करूँगी, आई होप दिख रहा होगा, काम चल जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैं आपको आगे डिफाइन करूँगी ठीक है, वन बाय वन जैसे कि मैंने बताया आप टॉपिक देखते जाइए। उसके बाद में हम बात करते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात की, तो वो बनता है अभिकेंद्रीय बल से, अभिकेंद्रीय बल, जो सेंट्रीफ्यूगल और फोर्सेस होते हैं ना वो भी यहीं पे ये ही है, और अपकेंद्रीय बल, तो ये 3 बल हैं, ये एक्चुअली पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाता है, कोरियोलिस फोर्स कहलाता है, और जी गॉर्गन ऐसा सब कुछ नाम है बंदे का, जी गॉर्गन कोरियोलिस, जिसके बेसिस के कारण जिसने ही ये क्या फोर्स दिया था कि अर्थ पे जो विचलन हो रहा है, अर्थ की गति के कारण, परिभ्रमण के कारण जो विचलन हो रहा है उससे क्या एक बल का निर्माण हो रहा है, वो बल क्या दिया, फिर उसने उसी के नाम पे क्या उसका नाम रख लिया गया, कोरियोलिस फोर्स। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ चलते हैं विषु, जो इक्विनॉक्स जिसको बोलते हैं ठीक है, ये अलग हैं, इसके अंदर तो ये उत्पत्ति हो गई, इसके अंदर 4th पॉइंट लिखिए विषु, 5th इसके अंदर लिखिए अयनांत या संक्रांति जिसको हम बोलते हैं, अयनांत या संक्रांति जिसको बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, परिभ्रमण के कारण होता है। अब देखिए यहाँ मौसम परिवर्तन था, यहाँ ऋतु परिवर्तन हो गया, और अब फिर हम बात करते हैं दिन रात का छोटा बड़ा होने की, और एक चीज़ और उत्तरायण और दक्षिणायन किसके सन के,
सन का उत्तरायण व दक्षिणायन होना भी किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, दक्षिणायन। देखिए कुछ एक तो चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर क्या होगा, अक्षीय गति भी काम देगी। अक्षीय गति क्यों देगी? क्योंकि अर्थ अपने अपने अक्ष पे तो घूर्णन कर ही रही है ना, चाहे वो भले सन के राउंड में परिक्रमण करती हो या ना करती हो। उसके बाद में हम बात करते हैं इधर, इधर और क्या बनता है, ज्वार भाटा जो बनता है वो भी इसी में, ज्वार भाटा 5 नंबर लगा के लिख लीजिएगा, 6 नंबर पे लिखिएगा ज्वार भाटा, और उसके बाद में वायुदाब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। ये 6 पॉइंट हैं किसके, इसके प्रभाव के। आप लोग नोट्स बनाएं, अच्छे से बनाइएगा, और मतलब आपके मतलब फ्री में मिल रहा है तो अब पढ़ने में क्या जाता है यार, पढ़ लिया करो, है ना, मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, आपके भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। मौसम परिवर्तन, ठीक है, जनरल सी बात है कि कम स्थान पर जो कम समय में वायुमंडल की दशाओं का जो अध्ययन होता है, ठीक है, ऐसे जैसे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान लीजिए ठंड है ना, और जैसे ही धूप आएगी तो यहाँ गर्मी हो जाएगी, तो मतलब कम समय में कम स्थान पर जो वायुमंडलीय दिशाओं का अध्ययन होता है वो क्या होता है, मौसम होता है, ठीक है। और जलवायु फिर बड़ा हो जाता है कि सालों में, 30 सालों में होने वाला परिवर्तन। और ऋतु परिवर्तन, जैसे 6 ऋतुएं हैं उनमें जो परिवर्तन होता है कि अब ये ऋतु आएगी, कैसा, पूरा डायग्राम से सिखाऊंगी, कैरी ऑन रहिएगा, साथ साथ पढ़ते जाइएगा और डायग्राम भी अच्छे से बनाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें उसे एक डायग्राम में आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं शोर दिवस व नक्षत्र की। शोर दिवस क्या होता है, देखिए जब अर्थ क्या करती है, सूर्य के सामने घूर्णन गति में जो समय लगता है, अर्थ क्या करती है, सूर्य के सामने चक्कर निकालती है, तो उस चक्कर में लगने वाला समय ही क्या है, सौर दिवस कहलाता है। वो कितने टाइम का होता है, वो होता है 24 आवर का होता है, ठीक है। इन दोनों को मैंने साथ इसलिए लिखा है क्योंकि जो घूर्णन की गति में समय लगता है वही क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन की गति में लगने वाला समय ही। मैं ये रब कर देती हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा, उसके बाद में हम ये कर देते हैं, यही पढ़ लेंगे इसके सामने, है ना, ईजी रहेगा। फिर सूर्य के सापेक्ष या सूर्य के सामने, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन में लगा समय क्या होता है, सौर दिवस, क्योंकि वो समय क्या होता है, 24 आवर्स का, और यही क्या कहलाता है, सौर दिवस आया। अब नक्षत्र बात करते हैं, नक्षत्र क्या होता है, तारों का समूह है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह है। अब तार यहाँ क्या हो रही थी, पृथ्वी की गति किसके सामने हो रही थी, सूर्य के सामने, तो सीधी सी बात है वहाँ किसके सामने हो जाएगी, नक्षत्रों के सामने, क्या लिखेंगे हम, नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन गति में लगा समय क्या है, नक्षत्र दिवस। अब देखिए वो कितने का होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है, इसका समय होता है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। अब ये पूछ ले कोई आपसे कि सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में अंतर, समय में अंतर, ठीक है, समय में अंतर, ये क्वेश्चन आपके आईएएस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से देखिएगा, बेनिफिशियल होंगे आप लोगों की अगर आप अच्छे से देखते हो तो अंतर अगर हम बात करते तो देखिए आप इतना तो निकाल ही सकते हैं, है ना, 4 मिनट हो रही है, 4 में से 4 सेकेंड गए, तो यहाँ 3 मिनट बच गई और 46 सेकेंड बच गई, तो इतना यहाँ लिखना था क्या, 3 मिनट 46 सेकेंड, तो इतना उनके अंदर अंतर होता है। किसका ज़्यादा होता है, सूर्य का, ठीक है, सौर दिवस ज़्यादा होता है, कितना
सौर दिवस का समय कितना ज़्यादा होता है नक्षत्र दिवस के समय से? 3 मिनट 56 सेकंड। दूसरा पॉइंट भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दिन व रात का होना। अर्थ क्या करती है? अपने अक्ष पर रोटेट करती है। तो जब भी वो रोटेट करेगी, जब भी वो अक्ष घूमेगी, कुछ लेते हैं ना राउंड में, मान लीजिए ये है ना, और कुछ देखें क्या, और तो कुछ मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है ना, ग्लोब लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अर्थ, यहाँ सन है, ठीक है, ये सन मान लेते हैं, दो हैं, दोनों को मान लेते हैं, ये अर्थ ये सन, ठीक है। तो ये जो अर्थ है सन के राउंड में चक्कर निकालने में तो कितना साल ले लेती है, लेकिन अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है। तो जो भी पार्ट इसके सामने आता है ना, उसमें तो क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। सामने वाले में तो क्या होता है, दिन, और जो पीछे होता है उसमें रात होती है। लेकिन उस दिन और रात को डिफाइन करने में एक चक्कर बनता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्ति चक्कर, प्रदीप्ति वृत्त या प्रदीप्त वृत्त। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि पृथ्वी के घूर्णन के समय जो भाग सूर्य की ओर होता है वो तो दिन होता है और पीछे की ओर रात होती है, ठीक है। पृथ्वी का आधा हिस्सा सदैव दिन प्राप्त करेगा। देखिए जैसे सन लाइट इस अर्थ पे गिरेगी तो यहाँ पे आधा हिस्सा उसके सामने होगा, तो जब आधा हिस्सा उसके सामने होगा ना, तो वहाँ दिन होगा और पीछे वाले हिस्से पे रात होगी, और वहाँ जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल क्या होगा, प्रदीप्ति वृत्त होगा। तो देखिए यहाँ लिख लीजिएगा 24 आवर्स, जिसने नहीं लिखा है। सन के सामने का सन के सामने के भाग पर किस पर, पृथ्वी पर क्या होगा, दिन, और पीछे के भाग पर, पीछे के भाग पर क्या हो जाएगी, रात, और रात और दिन के बीच में जो सर्कल बनता है वो क्या हो जाएगा, प्रदीप्ति वर्त हो जाएगा। और एक चीज़ क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या सदैव पृथ्वी हर वक्त पृथ्वी पर आधे भाग पर दिन और रात होते हैं? तो हाँ होते हैं, आधे भाग पर हमेशा दिन और रात रहेंगे। आधे पे दिन है तो उसके पीछे वाले पे क्या रहेंगे, रात रहेगी। जो अक्षीय झुकाव है ना, 1 मिनट, बुरा हुआ गाइस, पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चला, वीडियो बीच में ही बंद हो गया। तो हम पहले दिन और रात की बात कर रहे थे, पहले हम ये क्लियर करते हैं। मैं आगे पढ़ाई जा रही थी, कोई है नहीं यहाँ पे कि वो चेक कर ले कि वीडियो बंद हुई है कि नहीं, और वीडियो बंद हो चुकी थी तो मैंने खूब पढ़ाया उसके बाद। चलिए हम देख लेते हैं अभी थोड़ा दिन व रात का होना। अब देखिए ये क्या है हमारी अर्थ, और अर्थ क्या है, मैं चेक कर लेती हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अर्थ क्या है हमारी, ऐसे नहीं है जैसे दिख रही है ना, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, वो थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है। तो ये टिल्ट के कारण जो सन के सामने का जो भाग है वो ऐसे रहेगा, ऐसे उस पर लाइट्स होगी, ठीक है। तो ये भाग पर क्या रहेगा, हमेशा दिन रहेगा, और यहाँ क्या रहेगी, रात। तो ये कैसे होता है कि आधे भाग पर दिन और रात, अक्षीय झुकाव के कारण, किसके कारण, अक्षीय झुकाव के कारण ऐसा होता है। और क्या होता है, अर्थ यूँ घूमती रहती है। अब जितना भी भाग, जरूरी नहीं है कि ये बचा हुआ भाग अब सामने आएगा, ये थोड़ी सी मूव करेगी फिर इसका थोड़ा सा पार्ट और उसके सामने आ जाए तो वहाँ भी दिन हो गया, और यहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा दिन बड़े होने लग जाएंगे, मतलब टाइम निकलते जाएगा और रात होती जाएगी, दिन होता जाएगा वापस, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहती है दिन और रात की। अब मैंने उसके बाद में बताया था कि हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया, ये हो गया, अब बात करते हैं विभिन्न बलों की उत्पत्ति की। अब वो कैसे होते हैं, देखिए स्थायी पवनों की दिशा, कोरिओलिस फोर्स एक्चुअल में है क्या, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल बनता है, ठीक है। जैसे हम किसी भी चीज़ को घुमाते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, जैसे ही वो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या कहलाता है, कोरिओलिस फोर्स कहलाता है। अब जैसे ही पृथ्वी यहाँ पे घूम रही है, घूमने के कारण जो फोर्स यहाँ बन रहा है वो फोर्स क्या है, कोरिओलिस फोर्स है। फिर बात करती है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। अगर हम सीधी बात बताऊँ आपको तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात एक्चुअल में प्रभाव है इस बल के, अभिकेंद्रीय बल के क्या है,
प्रभाव है। वायु दाब पेटियाँ किसका प्रभाव है? अपकेंद्रीय बल का। और ये कैसे बनते हैं? जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं, इनकी मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है जो एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड की, तो वो इंग्लिश में है लेकिन मैंने एक्सप्लेन हिंदी में करा हुआ, तो आप लोग वहाँ उसको चेक कर सकते हो कि कैसे ये बनते हैं। वहाँ मैंने चक्रवात प्रतिचक्रवात का भी बताया है और वायुदाब पेटियों का भी बताया है। अब हम जानेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं। तो देखिए, ये क्या है? कोई चीज़ है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। मैंने इस अर्थ से एक बॉल बांधी है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ घूमेगा, हाँ देखो मैं बांध सकती हूँ ना, बांध दी मैंने यहाँ पे, तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी, ठीक है, रिवॉल्यूशन ही रोटेट, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो इसमें भी रोटेशन होगा। तो जो यहाँ से वो अपने झुकाव से जो रोटेट कर रही है, जो अपने एक्सिस से वो रोटेट कर रही है, घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे फोर्स बनेगा, ठीक है। अब मैंने इसको बांधा कहाँ से है? मैंने इसको सेंटर से बांधा हुआ है, ठीक है। अब सेंटर से हम अर्थ को घुमाएंगे, चलिए छोड़िए ना यार, फिर कहोगे आप अर्थ को कैसे घुमा सकते हो। बॉल मान लीजिए या पत्थर, स्टोन मान लीजिए, स्टोन है और स्टोन से मैंने बॉल को बांधा हुआ है, ठीक है। अब मैं स्टोन को घुमा रही हूँ, तो मैं जैसे जैसे इसको घुमाना शुरू करूँगी वो दूर जाती जाएगी, है ना, एकदम स्पीड पकड़ लेगी और दूर दूर से घूमता रहेगा। अगर मैं रोकूंगी तो भी वो लपेट लपेट के मेरे पास आ जाएगी, है ना। तो यहाँ जो सेंटर में फोर्स लगेगा वो क्या है? अभिकेंद्र, ठीक है, इसके अंदर। और ये क्या है? अपकेंद्र। बाहर की ओर जो ये फोर्स लगता जाएगा, ये फोर्स क्या है? अपकेंद्रीय बल। आया होगा समझ में, आई होप। तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिख दी थी, पर अफसोस कि वो वीडियो बंद हो गया। अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी की घूर्णन गति से केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। ये घूर्णन कर रही है यहाँ पे, तो कोरिओलिस फोर्स लगेगा, और इसके कोरिओलिस फोर्स के बाद में जो अंदर से जो फोर्स लगेगा पृथ्वी के, वो कैसा होगा? अभिकेंद्रीय। और बाहर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अपकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय का प्रभाव क्या हो गया? चक्रवात और प्रतिचक्रवात। अपकेंद्रीय का प्रभाव क्या हो गया? वायुदाब पेटियाँ। आई होप ये समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ओनली जो अपकेंद्रीय बल है ये हमारे स्पेशल मेहमान हैं। कैसे? कि सिर्फ भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या होगा? सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक, ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर का पार्ट अटैच होगा ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट गति किस में होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जीरो हो जाती है। देखिए हम कोई चीज़ ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, क्या घुमाऊँ, कुछ घुमा के दिखा देती हूँ, क्या घुमाया यार, माउस पड़ा है यहाँ पे, ये घुमा के दिखाते हैं पॉकेट, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ तो ये फोर्स ज़्यादा कहाँ लग रहा है? बाहर की साइड लग रहा है। तो जब सेंटर से घूमेगा तो बाहर की साइड फोर्स लगेगा, और बाहर सबसे ज़्यादा उभरा हुआ भाग कौन सा है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होगा और ध्रुव पर शून्य होगा। बात करते हैं अभिकेंद्र और कोरिओलिस फोर्स की, तो यहाँ पे अपोजिट होगा। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होगा? यहाँ पे ध्रुव पर होगा, ठीक है, ध्रुव पर। और भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा? इसका मान ज़ीरो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे परिक्रमण गति की, उसमें देखिए हम कितनी बात कर सकते हैं। लाइन